पीसीआर लाइट भी ऑन है जी। ये पीछे आपको ये प्लेट दिख रही है ना ब्लू कलर की, इसके नीचे देनी है जो लड़के ने, अरे इसके फिंगर लगा यहाँ, यहाँ आपको बीच में देनी है ये प्लेट, ध्यान रखना गाइस। प्लेट कैसा लगा आप बता? अच्छा। साउंड सिस्टम कैसा लगा था? अच्छा है। बढ़िया लगा? बढ़िया है। चलो खुश है ना? अपने पास आ रहा है जी फार्म ट्रैक 45, इसके लगाएंगे फाइबर वाली छतरी और वूफर सिस्टम। और अब आप देख लो बिना फाइबर छतरी के आपको कैसा दिखाई दे रहा है ये फार्म ट्रैक 45। बहुत लोगों के कमेंट और मैसेज आए थे कि फार्म ट्रैक के ऊपर आप वीडियो बनाइए, क्योंकि फार्म ट्रैक लोगों के पास काफ़ी है आउट ऑफ राजस्थान में भी, तो पूरा वीडियो देखना फार्म ट्रैक 45 का। तो फार्म ट्रैक की जो फिटिंग है भाई वो थोड़ी सी मुश्किल है, ये प्लेटें लगेगी इसके अंदर, आप फिटिंग थोड़ा सा देख लेना आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से खोलने के बाद में नीचे प्लेटें लगेगी, पूरा वीडियो देखना समझ में आ जाएगा आपको, इतना भी मुश्किल नहीं है, देखने के बाद तो लगा ही लोगे। संदीप सुनील एक मिनट प्लेट दिखा, ये देखिए ये प्लेट है, ये लगेगी इसके अंदर और इसके ऊपर लगेगी पाइप, क्योंकि यहाँ से क्या ये राउंड दे दी कंपनी ने, तो राउंड के ऊपर पाइप तो लग नहीं सकती। ये नीचे आपको ये प्लेट दिख रही है ना ब्लू कलर की, इसके नीचे देनी है जो लड़के ने, अरे इसके फिंगर लगा यहाँ, यहाँ आपको बीच में देनी है ये प्लेट, ध्यान रखना गाइस। मड़गार्ड आपको ऐसे उठाना पड़ेगा और ये आपने रख दिया प्लेट, ध्यान से भाई मड़गार्ड को पकड़े यार, लो फिर हाथ लगाओ, छोड़ दे। हाँ जी ये देखो मड़गार्ड उठा दिया आपने, ये वाला रखना, ये यहाँ आएगा ऊपर, ऊपर आएगा ये, नीचे आएगी अपनी प्लेट और फिर आएंगे ये बोल्ट। ध्यान से देख के लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इतना भी मुश्किल नहीं है, एक बार देखने के बाद बिल्कुल समझ में आ जाएगा यार। बस अब रख दो भाई, ये लो ये अपना बेस बन गया। अब ये देखो, अब ये राउंड थी, अब यहाँ पे अपनी पाइप लगने के लिए अपने पास जगह आ गई, वापिस इसको फिटिंग कर देना जैसे पहले खोला था। रमेश वासल उतार ले तेरी साइड में चले जाने, मगर आ उठाना डेवरी खोल दी, छोड़ दे फिर एक रुक, कंटेनर ना गिरे भाई यार नहीं अपनी, तो आप ये ध्यान रख लेना ये राइट साइड में हो गया, इसको घुमा के अगर हमने ऐसे लगा दिया तो ये लेफ्ट साइड में हो गया, ले भाई देओ थल्ले देओ चक्के भाई अब थोड़ा सा चक्कर, बस गाइस इसको लगाने के बाद नट को बहुत प्रॉपर अच्छे तरीके से टाइट करना है, पूरा रॉड लगा के गोटी लगा के पाना अच्छी तरह से टाइट करना, ढीला नहीं रहना चाहिए, ये सेम बोल्ट लगते हैं सेम ही सब कुछ लगेगा, बस ये प्लेटें बीच में देनी है, इतना ही काम है अपना। अब ये प्लेट इसके अंदर आ गई और राइट साइड वाली प्लेट अपनी यहाँ आ गई, अब इसके अंदर आएगी पाइप, इसके बाद क्या होगा देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक, प्रॉपर समझ में आ जाएगी फार्म ट्रैक पे छतरी कैसे लगती है। तो ये दोनों अपने नटक हो गए हैं टाइट, दोनों तरफ की प्लेटें लग गई हैं, अब लगेगी इसके ऊपर पाइप। ये अपनी पाइप आ गई है और ये सुराख के अंदर, इसके अंदर सीध के अंदर आपको ये दोनों बोल्ट लगाने हैं लेफ्ट और राइट दोनों वाले, चलो लगा पाइप पकड़ ले दोनों बंद पकड़ ले बस, ये वाला से दबा के फिर सेटिंग पूरी लानी पड़ेगी इसको, आ गई मैं चक्की बस ठीक है सही कर, ये कपड़ा लगा के दबाना है क्योंकि नहीं तो स्क्रैच पड़ेंगे आपके मड़गार्ड पे, बस
पूरा जोर लगा के नट को टाइट कर लेना दोनों साइड के। ये पीछे पत्ती लगानी बहुत जरूरी है, जब हम पाइप कसेंगे पाइप का कलम कसेंगे ये वॉशर की तरह काम करती है और ये लगाना बहुत जरूरी है। और ये रबड़े भी लगानी जरूरी हैं और ये एक बीच में भी रबड़े आएंगी आपका गैप के हिसाब से, ये कम ज़्यादा हो सकती हैं हर ट्रैक्टर के हिसाब किताब अलग अलग होता है। तो ये अपने क्लंप लग गए हैं, अब ऊपर का जो काम है इसके बाद वो वीडियो दिखाते हैं आपको, यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा आई होप। लगा इसकी फाइबर तार लगाना पार्किंग वाली, लो जी पार्किंग ऑन है अपनी, ये हो गए अपने इंडिकेटर राइट और लेफ्ट, पीसीआर लाइट भी ऑन है जी, रूफ लैंप, ये कान लगाने हैं फाइबर लगाने से पहले। और इसको आप कोशिश करिए सेकंड होल पे ऊपर से एक छोड़ के यहाँ बोल्ट डालें, कोशिश करिए कि ऊपर वाला एक होल छोड़ दीजिए उसके सेकंड नंबर वाले होल में आप नट बोल्ट जो है अपना लगाएं, कोशिश यही रखिए अपनी। ऊपर से जो एक बोर्ड लग गया नीचे लगानी है वीआईपी लाइट टांगने वाली पत्ती, लगा भाई नीचे से एक होल छोड़ के सेकंड लास्ट होल में लगेगी ये पत्ती और ये बीच में उसको साथ में देना है। वायरिंग हो चुकी है, खाली फाइबर ऊपर लग कस के और वायरिंग करनी है इसकी। हम जो फाइबर आप लोगों को भेजते हैं कोरियर से उसकी वायरिंग ऐसे करके आती है, आपको कभी वायरिंग नहीं करनी पड़ेगी, हमारी वायरिंग हमेशा करके ही आएगी, आपको ऐसा सारा कस के और वायरिंग को सिर्फ कनेक्शन करना पड़ेगा आपको। लगभग अपना ये जो फाइबर रोड है फिटिंग हो चुका है, बस नट बोल्ट जो है वो पूरे टाइट करने हैं, हुड हो गया फिट और वायरिंग रहेगी अभी इसकी करनी, बाकी पूरा हुड कंप्लीट फिटिंग हो गया है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में जरूर आ गया होगा, सभी हुड गाइस इसी तरह से लगते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है, सबकी वायरिंग भी सेम ही होती है लगभग, बस खाली जो पाइप लगाते हैं हम उसकी फिटिंग अलग अलग ट्रैक्टर की अलग अलग होती है, बाकी जो ऊपर का कान के बाद का काम है वो सब सेम होगा चाहे ट्रैक्टर कोई भी हो। ये 15 इंची 2 वूफर 7 स्पीकर वाली पेटी है जो हम फार्म ट्रैक पे लगाएंगे, काफ़ी हैवी पेटी होती है ये, काफ़ी हैवी, तो पकड़ने के लिए 2-3 जने लगेंगे इसको। ओके ये भी हो गया हमारा म्यूजिक सिस्टम भी, अब वायरिंग होगी सारी।
ये वायरिंग टाई है, ये हम साथ में देते हैं। इस टाइप से आपको ये वायरिंग करने के बाद में टाइयां लगानी है। पूरी वायरिंग आपको इस तरह से पाइप में डाल लेनी है। एक कोने पे आपको करनी है टेप, टेप से कर देना टाइट ताकि वो स्लीव जो है आगे की या पीछे की तरफ ना खिसके। ये देखो अब वायरिंग अपनी सिमट गई है पूरी और इस तरह से पाइप के अंदर पूरी तैयार हो गई है। अब कहीं पे लग के ना अर्थ करेगी ना कटेगी, तो ये बहुत फ़ायदा है स्लीव का। स्लीव जरूर चढ़ाया करें। फाइनल हो गया जी अपना फार्म ट्रैक का जो हुड लगाया अपन ने, ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए इसकी वीडियो कैसा लग रहा है बताना मेरे को। क्या नाम है तेरा? राजेश कुमार। कहाँ से आया राजेश? अर्जुन सर से। अर्जुन सर से ट्रैक्टर लेके? हाँ। सिर्फ छतरी लगवाने, म्यूजिक सिस्टम लगवाने? म्यूजिक सिस्टम लगवाने। तो इतनी दूर हमारे पास कैसे? आपका म्यूजिक सिस्टम अच्छा है, व्यवस्था अच्छी है। व्यवस्था अच्छी है, म्यूजिक सिस्टम अच्छा है। अच्छा चलो हमारा काम हो गया कम्प्लीट, कैसा लगा आप बता? बहुत अच्छा। साउंड सिस्टम कैसा लगा था? अच्छा है। बढ़िया लगा? बढ़िया है। चलो खुश है ना? तो वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। कमेंट्स में बताना मेरे को कैसा लगा ये वीडियो और कैसा लगा ये हुड और कैसा लगा ये सिस्टम। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके थाने ठीक लगे काम? हाँ, बढ़िया लगा। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। चलो ओके जी।